आपको वेटेज वगैरह का थोड़ा बता दूं, ये जो वेटेज मैंने स्क्रीन पे दिखा हूं है ना, ये एक टेंडेटिव वेटेज है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब आपको पता है 100 मार्क्स के लिए आपका 40 मार्क्स का मैथ्स है, और 40 मार्क्स में से अराउंड कितने 9 चैप्टर्स है, तो अब यहाँ पे क्या किया ना, परसेंटेज 100 में से है, तो इसलिए ना मैंने सबको 2.5% का एक मार्क, आई मीन एक क्वेश्चन आया तो 2.5% हो गया। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट टू इसमें इंडाइसेस रेशियो लॉग में, तो इसलिए उसका 7.5% वेटेज हो गया, 3 क्वेश्चंस ऐसा कुछ। और ऐसे ही वेटेज हर चीज का, तो कहीं पे थोड़ा कम हो सकता है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा, बट ये एवरेज वेटेज निकाला हुआ मैंने जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वेटेज दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? यस। और इसके अलावा ये जो मेनली क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, आज भी हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर के, जैसे ये रिवाइज करेंगे बाद में क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट रेशियो वाले अपने 30 क्वेश्चंस है, रेशियो इंडाइसेस के, फिर लॉग के भी कुछ है, तो ये सब आपके एग्जाम क्वेश्चन है जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, एग्जाम क्वेश्चन एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऐसा कुछ। तो पिछले इसमें 7-8 एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर्ड है, हाँ पिछले 2 कवर्ड नहीं है, पिछले 2 मैंने आपको टेस्ट सीरीज में कवर करवा दिया था, तो अलॉन्ग विद दिस वन डे का रिवीजन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो आपका पिछला काफी सारे एग्जाम के क्वेश्चंस कवर होते हैं, एंड उसके बेस पे हमारा काफी सारा काम बन जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि 8-10 क्वेश्चन तो एज इट इज पिछले एग्जाम से ही आगे रिपीट होते हैं, और कुछ इसमें फिगर्स चेंज होते हैं, है ना। तो मुझे तो लगता है मोर देन हाफ क्वेश्चन अगर सिर्फ ये वन डे कर लो तो आपको आ जाएंगे वहां पे डायरेक्टली फ्रॉम वन डे, थोड़ा फिगर चेंज हो सकता है बस, तो इनफैक्ट और ज्यादा क्वेश्चंस। तो वन डे में अपन पिछले कुछ कुछ अटेम्प्ट्स के एग्जाम्स क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, एंड साथो साथ टेस्ट सीरीज के जो आपके डाउट्स होंगे वो भी हम लोग एंड में देंगे, क्योंकि उसमें भी मैंने पिछले 2 एग्जाम के क्वेश्चंस कवर किया 2019 के, 20 में तो मई में एग्जाम नहीं हुआ, मई एंड नवंबर 19 का टेस्ट सीरीज में कवर किया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद रेशियो का रिवीजन। तो रेशियो में क्या है, द कंपैरेटिव रिलेशनशिप, ये सब तो किसी काम का नहीं है, थ्योरी आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक बार स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। बेटा आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, तो 1 मिनट, ये स्क्रीन नहीं आ रही है ना, मैंने फर्स्ट चैप्टर का स्क्रीन ओपन किया, जैसे आ जाए मुझे बताना। बहुत दिन से उसकी आदत छुट गई आने की। आ गया सर, गया? नहीं है, बंद नहीं आया सर, नहीं आया सर, आ जाएगा, नहीं आया यस सर, यस यस आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। अब आ जाना चाहिए। आया अभी भी कि नहीं, स्क्रीन आया बेटा? नो सर, नो सर, अरे बाप रे, एक और चांस, अब आ गया है। यस सर, आ यस सर, बढ़िया। यस, तो रेशियो क्या होता है आप सब जानते हो, कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन, जैसे ए और बी, ए अपॉन बी या ए इज टू बी होता है आपका रेशियो, दो चीजों का कंपैरिजन, बस ध्यान ये रखना है कि दोनों का यूनिट सेम होना, कहने का मतलब 5 पैसा और 1 रुपी, इसका रेशियो 5:1 नहीं होता, इसका रेशियो 5 पैसा और 1 रुपी का रेशियो 1:20 होता है, बिकॉज 5 पैसा तो 5 है, 1 रुपी 100 पैसा है, विच बिकम्स 1:20, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नॉट 5/1, यूनिट सेम होना। अब आप ये भी जानते होंगे डुप्लीकेट क्या होता है ए बाय बी का,
जानते तो सब है, बस रिवाइज करना है। ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ट्रिप्लीकेट है, ए क्यूब बाय बी क्यूब सब डुप्लीकेट, अंडर रूट ए बाय बी सब ट्रिप्लीकेट, क्यूब रूट ऑफ ए बाय बी, ठीक है। और कंपाउंडेड रेशियो क्या था, जितने भी आपको रेशियो दिया ए बाय बी सी बाय डी सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका कंपाउंडेड रेशियो। इज दिस फाइन एवरीबॉडी? कंपाउंडेड रेशियो में क्या करते, सभी को मल्टीप्लाई करना, बन जाएगा आपका कंपाउंडेड रेशियो। चलो आगे, प्रोपोर्शन। जब भी दो रेशियोज अपने इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोपोर्शन। अभी आपको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? A by B, A is to B, sir. वही अच्छा सर। वो अभी तक के है ही क्या? नहीं अटक रहा है वो, ठीक है। तो नीचे वाला देखिए, प्रोपोर्शन। जब कोई दो रेशियोज इक्वल होते हैं उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे A by B equal to C by D, तो वो हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शन, ठीक है। उसमें फिर उसे कई तरीके से मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं हम लोग। और हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसकी, क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा? इन्वर्ट एंडो, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी का इन्वर्ट एंडो क्या होता है? बी बाय ए इक्वल टू डी बाय सी। अल्टरनेट एंडो में क्या करते हैं? ए और डी की पोजीशन या बी और सी की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो हो सकता है वो डी बाय बी इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है ना? समझा मैंने क्या किया? कोई भी दो इसकी अल्टरनेटिंग पोजिशन चेंज कर दो तो आ गया अल्टरनेट एंडो। कंपोनेंटो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बाय बी सी प्लस डी बाय डी, बड़ी ज्यादा यूज में नहीं आता है। डिविडेंडो ए माइनस बी बाय बी इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी, ये सब फॉलो करते हैं ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी को। हाँ, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। वो क्या कहता है? अगर ए बाय बी और सी बाय डी इक्वल है देन ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय सी माइनस डी। ओनली कंपोनेंटो ओनली डिविडेंडो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों एक साथ मिला के है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ू मैं, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं ना। अब मुझे बताओ प्रोपोर्शन के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं हमें? प्रोपोर्शन के लिए हमें चाहिए चार लोग। तो अगर ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है तो मैं क्या बोलूंगा? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। क्या कहा जाएगा? ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तो मुझे बताओ ए बी सी डी प्रोपोर्शन में तब क्या आएगा जब ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होगा। अभी भी स्क्रीन पे आया क्या मैंने ए बी सी डी लिखा कि नहीं चाहिए? नहीं, नो सर। नो सर, लेट हो रहा है थोड़ा आज। पानी से क्या हो रहा है? नेट तो बढ़िया चल रहा है। बस एक मिनट रुक जाओ। तो प्रपोर्शन के लिए हमें चाहिए चार। अभी का मुझे सुन दीजिए जब तक ये आता है। एबीसीडी, एबीसीडी प्रपोर्शन में तब क्या लाएंगे जब ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी होगा। अब मान लो आपको तीन ही रोग दिया चार की जगह, तो क्या करेंगे आप? बोलो बेटा। A by B, B by C. A by B equal to B by C, यानी B जो है वो आपका रिपीट होगा, ठीक है। एक्चुअली वो दो तीन बार ज्वाइन हो गया शायद, ऐसा कुछ है, खुद को ही बाहर करना पड़ेगा। अब होपफुली आ जाए। यस, आप शायद अब नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना प्रोपोर्शंस का बेसिक्स। आगे देखते हैं अब इंडाइसेस के कुछ फॉर्मूले जो आपको बार बार काम में आने वाले हैं। क्या है पहला इंडाइसेस का फॉर्मूला?
a का पावर m इंटू a का पावर n इज a का पावर m प्लस n, am by n इज a का पावर m माइनस n. बस याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इंटू रहा तो यहाँ प्लस होता है, डिवाइड रहा तो वहां माइनस होता है. इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है. वाइस वर्सा मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इंटू ऐसा काम नहीं करेगा. हाँ ये तो फॉर्मूला लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों काम करेगा. ए का पावर एम होल पावर एन रहा तो एम और एन इंटू हो जाएंगे थर्ड फॉर्मूले में. चौथा क्या बोलता है, पावर एम जो है वो दोनों के साथ जाएगा, ए के भी साथ और बी के भी साथ. और पांचवा एनी नंबर रेस टू जीरो इज वन. फिर एक फॉर्मूला आता है आपका ए का पावर माइनस वन. क्या होता है ए का पावर माइनस वन? वन अपॉन ए का पावर माइनस एन, वन अपॉन ए का पावर एन. ए बाय बी का पावर माइनस वन इज बी अपॉन ए, ये उल्टा हो जाता है. और ए बाय बी का पावर माइनस एन बी बाय ए का पावर एन. जैसे ये चार फॉर्मूले मैंने लिखा हो एट में, चारों स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे बता देना. और सिक्स और सेवन तो काफी इजी है, दोनों का बेस सेम तो पावर को इक्वेट किया, पावर सेम तो बेस को इक्वेट किया. इसके अलावा एक नाइन्थ फॉर्मूला भी था, आपको याद होगा मैं लिख देता हूं. एंथ रूट ऑफ ए क्या होता है? ए का पावर वन बाय एन. कहने का मतलब क्यूब रूट ऑफ फाइव क्या होता है? फाइव का पावर वन बाय थ्री. स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स इज सिक्स का पावर हाफ. आया क्या एट और नाइन स्क्रीन पे? क्या आने का ही अभी भी आने का है सर? आने का है सर? आने का है क्या? आज पता नहीं क्या हो गया मुझे, बहुत दिन बाद आदत नहीं है कि क्या है. आएगा. ओके कमाल नहीं. देखो आ गया. ठीक है आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस पे. तो जैसे भी जो भी क्वेश्चन है आप नंबर वाइज सॉल्व कीजिए. नोट्स मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पुट किया हुआ और टीम्स में भी पुट किया हुआ. जिसके पास नहीं मिला ग्रुप पे वो लोग टीम्स के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो ना. पूरे नोट्स एक बार चेक कर लो, व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लो सामने. होपफुली दोपहर तक प्रिंट आउट मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा. मीन प्रोपोर्शन क्या है इसके बीच का? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? जब तीन लोग प्रोपोर्शन में होते हैं ए बी सी, तो बीच वाला रिपीट है. क्यों रिपीट है? क्योंकि चार लोग चाहिए होते. तो हम लोग कहेंगे ए बाय बी इक्वल टू बी बाय सी. तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी हो जाता है अंडर रूट ए सी. ध्यान है क्या बेटा है सबको? और जो नहीं दिख रहा है मगर इजी है, याद होगा आपको मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ए सी. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 24 इंटू 54. कैलसीएम भी क्या करेंगे? 24 into 54 equal to और फिर अंडर रूट कितना आ रहा है बताओ मुझे? 36 is your answer. Note कर लो फटाफट. 36 note कर लो फटाफट. Okay, दिशा आपको स्क्रीन दिख रही है अभी कि अभी भी नहीं? नहीं दिख रही सर. यस सर अब दिख रही है. दिख रही है ना? नहीं तुमको नहीं दिख रही स्क्रीन? नहीं सर नहीं दिख रही. बाकी किसी को ऐसा दिक्कत स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रही है स्क्रीन. किसको नहीं दिख रही है? नयन के अलावा एनबी वाले के पास एनबी दिख रहा है सर. अच्छा एक बार रिफ्रेश वगैरह करो क्योंकि बाकी लोगों को तो दिख रही है स्क्रीन. चलो यहाँ पे दिया है सेकंड में आपको a by b, b by c, c by d. आपको पूछा है a is to d. अब a is to d तो हम लोग डायरेक्ट निकालते कैसे? a by d होता है a by b into b by c into c by d. ये याद होगा आप सबको. a by b कौन है? 8/15. b by c 5/8. c by d 4/5. थोड़ा लेट आ रहा है स्क्रीन पे, अब तो नेट अच्छा है पता नहीं क्या हो रहा है उसे. तो आंसर क्या है इसका? 4/15. इतना नोट कर लो बेटा. जब दो का ही पूछा होता है a by d तो डायरेक्टली a by b into b by c into c by d करते हैं हम लोग, तो हमें a by d मिल जाता है.
ठीक है, मैं रुक कर जब तक के वो स्क्रीन पे आता है तब तक के आप लोग नोट कर सकते हो, और फिर हम चारों वाला निकालेंगे एक बार। ओके, तीनों को इंटू किया मैंने, 8/15, 5/8 और 4/5, अल्टीमेटली वो आ गया 4/15। ठीक है, डाउट सेकंड क्वेश्चन इसमें किसी को? अब चारों का एक साथ कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ABCD लिखते हैं, आ जा ही नहीं रहा है वो। स्पीड भी बढ़िया है। आएगा बेटा आएगा, अभी छुट्टी पे गया था। साइड वाला देखिए, ए बाय बी सी बाय डी, क्या करते हैं हम लोग उसे एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। तो सबको मैं सेंटर पे लाना चाहता हूँ। सेंटर पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट साइड में भी क्रॉस मल्टीप्लाई। कमाल यार, आ नहीं रहा है स्क्रीन पे जबकि सब बढ़िया है। मैं ना दूसरे लॉगिन से एंटर करता हूँ तो मे भी आ जाए। इतना आया ना, एक दो क्वेश्चन से कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, 8x5/15 और ये 8x5/4। अभी जो रेड बॉक्स है उसे मैं नीचे कॉपी करता हूँ, तो वो क्या है बेसिकली, पहला वाला 40x15, ये 5, ये 8 और ये 40x4, ये हो गया 8/3, 5, 8 और ये 10। बट मुझे जो आंसर चाहिए होता है विदाउट डिनोमिनेटर चाहिए होता है, तो मुझे सभी को इंटू 3 करना पड़ेगा। 8, 5 3 15, 8 3 24, 10 3 30। स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे बताना, मैं दूसरे लॉगिन से आने का ट्राई करता हूँ। बनाने दो लॉगिन, जो दिक्कत जा रही है तो कुछ लोगों को तो पक्का जा रही है। आ गया सर। आ गया, ये कॉपी कर दो बेटा सब लोग तब तक के।
नहीं आया सर अभी भी नहीं, वो आ गया है क्योंकि मुझे भी दिख जाता है ना फीडबैक में सर। नहीं आया सर स्क्रीन, नहीं है कि आपका नेट स्लो होगा बेटा, भी हो सकता है। नहीं सर एनबी है बस। हाँ नहीं सर गया सर, वो आपकी तरफ से दिक्कत है, वो जो N1 दिख रहा है क्योंकि ना मेरे पास एक फीडबैक स्क्रीन है, एक से मैं इनपुट करता तो दूसरे पे दिख जाता है आया कि नहीं ऐसा। यस यस सर अभी आ रहा था। आ रहा है बढ़िया, चलो आगे। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला x बाय वाई आपको 2/3 दिया है थर्ड वाला, ठीक है थोड़ा स्लो आ रहा है बट ठीक है, अभी रुकते नहीं अपन, फर्स्ट इसी चैप्टर है ना, फिर मैं ब्रेक में थोड़ा देख लूंगा क्या करना है। तो ऐसे किसमें मुझे x को क्या मानना पड़ेगा 2p और y को मानना पड़ेगा 3p, क्योंकि x by y 2:3 दिया है, तो x को माना 2p, y को 3p और इसमें डायरेक्टली पुट कर दो। अब p के बिना भी आता है बट उसके बिना करना थोड़ा रिस्की है। तो ये जो आपको 5x plus 2y upon 3x minus y दिया है, x की जगह पुट करोगे आप 2p, y की जगह पुट करोगे आप 3p, नीचे x की जगह 2p और y की जगह 3p, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, आ रहा है ना अभी रियल टाइम में देखो, 10p plus 6p upon 6p minus 3p, 2 सेकंड का डिले है बट आ रहा है, कितना हो गया 16p by 3p, pp गया, आंसर बचा 16 upon 3, ऑप्शन बी, लिखिए बेटा फटाफट, ओके सबके साथ, यस मैन, हेलो, यस सर आपका चौथा क्वेश्चन, पी इज 25% लेस देन क्यू, आर इज 20% हायर देन क्यू, दोनों का रेफरेंस क्यू के थ्रू दिया है, क्यू के थ्रू, तो मैं क्या करूंगा,
क्या बोला, पी कितना कम है, 25% लेस देन क्यू, तो क्यू को 100 माना क्योंकि उसके रेफरेंस में सब बात किया, पी 25% कम है मतलब 75 है, आर 20% हायर है मतलब 120 है, ठीक है। आपको पूछा है रेशियो आर और पी का, आर अपॉन पी कितना है 120/75 यानी कि 8/5, 15 से कटा, 15 8 120, 15 5 75, 8/5 आपका हो गया आंसर ऑप्शन बी फिर से, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये तो अपन ने किया भी है क्वेश्चन, अपने नोट्स में ही है, पर्सन के पास असेट्स है 148,200, उसको अपने वाइफ डॉटर, वाइफ सन डॉटर में बांटना है, सन को कितना मिलेगा, देखो बस ध्यान से करना, सन का हिस्सा कितना है इसमें, 2 out of 6, बेसिकली सन को मिलने वाला है 2 out of 6 ऑफ 148,200, कितना आता है 49,400, is this fine everybody, है ना, सन का 2 out of 6, डॉटर पूछता तो 1 out of 6, वाइफ पूछता तो 3/6 ऑफ 148,200, आम आदमी लगा है बेसिकली, बट हम लोग लिखने का तरीका ऐसा मानते हैं उसे, ठीक है। लिखा बेटा सभी ने, हेलो सर स्क्रीन पे आए नहीं था कुछ, स्क्रीन पे आए नहीं सर, आज दिक्कत दे रहा है, देखो नेट बढ़िया चल रहा है, 41 Mbps स्पीड भी दे रहा है, अब आ क्यों नहीं रहा है पता नहीं, और सर स्क्रीन पे भी पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम आउट ज्यादा ही है सर, मैंने दिखने के लिए जूम आउट किया ना जूम इन किया इसलिए पूरा नहीं दिख रहा है, वो तो इशू नहीं है, बस वो आ जाना चाहिए था। ये पेज आ गया तो ये पेज भाग जा रहा है, तो पकड़ रहा है वो अंदर के साइड में, कोई ना आएगा, नहीं पड़ेगा उसको, ओके आ गए क्या वाइफ्स एंड डॉटर, यस सर, यस आ गए, देखो सिक्स्थ करते हैं, सिक्स्थ सिक्स में क्या है, ये भी अपने नोट्स का ही क्वेश्चन हो गया है ना सर, एग्जाम क्वेश्चन से 25 का पावर 150, और राइट साइड में देखो सिक्स में 25x दोनों के ऊपर 50 है, तो 50 दोनों के साथ जाएगा, 25 के साथ भी जाएगा और x के साथ भी जाएगा, तो 25 का पावर 50 वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, नीचे में आएगा तो 25 का पावर 100 बचेगा, एक्स का पावर 50, तो बेसिकली 25 का पावर 100 इक्वल टू एक्स, और एक्स के ऊपर का 50 इस साइड आके नीचे आएगा 100 के नीचे, शायद स्क्रीन पे नहीं आया ना अभी भी बेटा,
आंसर 5 का पावर 4 फिर से बी वाला सर क्या किया जाए इसका ठीक है देखो जैसा मैं डिक्टेट कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर मैं करता हूँ उसका कुछ तो भी आगे सर आगे बढ़िया ठीक है ना 2-3 सेकंड के चलाते हैं ब्रेक तक देखो बेटा फास्ट देखो दिख रहा है ना कहाँ पे दिखा हुआ है आपको स्क्रीन पे यस ओके सेवेंथ वाला द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मंथ सैलरीज ऑफ ए पर्सन का रेशियो दे दिया 2-4-5 डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ सैलरीज फर्स्ट टू एंड लास्ट टू ऑब्वियसली लास्ट टू का प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा होगा तीनों का रेशियो क्या है 2-4-5 2x 4x 5x ऐसी मानते हैं ना तीन सैलरी का रेशियो 2:4:5 तो क्या मान लिया मैंने 2x 4x और 5x अब डिफरेंस लास्ट टू मंथ्स का और फर्स्ट टू मंथ्स का ये कितना दिया है आपको 4,80,000 लास्ट टू का प्रोडक्ट माइनस फर्स्ट टू का प्रोडक्ट इसे इक्वेट किया 4,80,000 से स्क्रीन पे आ जाएगा देखो आ गया है इनफैक्ट स्क्रीन पे किसी को नहीं दिख रहा तो वो आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी 20x² - 8x² 4,80,000 12x² 4,80,000 यहाँ से x² आ गया 40,000 x कितना हो गया 200 x 200 आ गया सेकंड मंथ का सैलरी क्या था सेकंड वाला 4x था 4x मतलब 4 × 200 कितना आ गया बेटा 800 आ गया 800 देखो हेलो यस सर देखिए फटाफट वो ऑप्शंस में एक एक जीरो एक्स्ट्रा है बट ठीक है कोई इशू नहीं उसका आप लोग लिख लो फिर जब मैं ब्रेक दूंगा ना तब मैं थोड़ा ठीक करता हूँ उसे जो भी करना है ओके आगे बढ़ते हैं एट वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आपको फाइंड करना है एट क्वेश्चन क्वेश्चन में थोड़ा एडिट है डिवाइड बाय 3 का होल क्यूब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 का होल क्यूब आपको फाइंड करना है डिवाइड बाय 3 वहां पे नहीं आया कोई बात नहीं चलो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन किसी को ध्यान है क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी दिया यहाँ पे 1/3 1/3 तो मुझे क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा या तो मेरे पास और एक फॉर्मूला है कौन सा याद है यही से जो डिराइव हुआ इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो देन ये फॉर्मूला है ना इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी सी ठीक है तो यहाँ पे भी मुझे तीन लोगों का सम जीरो दिख रहा है जब भी तीन चीजों का सम जीरो हो तो पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब तीसरे का क्यूब थ्राइस ऑफ वो तीनों चीजें करते हैं नहीं आया ना स्क्रीन पे कुछ तो इशू
थोड़ा रुकिए आप लोग, हो जाएगा। बस एक मिनट। हाँ देखिए, तो अपन पहले का क्यूब करेंगे, आएगा भी आएगा ऐसी आशा करते हैं हम लोग। पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस थर्ड वाले का क्यूब इक्वल टू थ्राइस ऑफ वही तीनों लोग। देखो आ रहा है, ऐसा ही आते रहे तो अच्छा। जो तीन चीज मुझे जीरो दिया है उन्हीं का इंडिविजुअल एक एक का क्यूब करता रहा मैं, पहले का दूसरे का तीसरे का, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ वही तीन चीजें। तो ये फर्स्ट वाला अपना क्या हो जाएगा बोलो बेटा, ए हो जाएगा, वो बी वो सी, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा थ्राइस ऑफ ए बी सी का पावर 1/3। ये 3 जाएगा इसके नीचे में, क्वेश्चन में हल्का सा एडिट है देख लो, मैंने ऊपर में लिखा हूं इक्वल टू ए बी सी का पावर 1/3। अब इसका क्यूब चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड वाले का, तो राइट साइड वाले का 1/3 मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो वो बन जाएगा वहां जाके क्यूब। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री का होल क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी। लिख लीजिए फटाफट, सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन। डन बेटा? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट वन। नाइन्थ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा स्क्रीन अभी दिख रही है क्योंकि मेरे पास एक दूसरा डिवाइस है इसमें तो दिख रहा है बराबर। और किसी को ऐसी दिक्कत स्क्रीन नहीं दिख रही है? आप लोग एक बार बाहर जाके अंदर आके देखिए, अब स्क्रीन आ रहा है मेरे ख्याल, आ रहा है ना? नाइन्थ। कौन सा रेशियो नहीं हो सकता ब्लैक व्हाइट का? तो हमने देखा था 9:1 का टोटल 10 होता है, वो तो होगा रेशियो। 7:3 भी होगा, 1:4 भी होगा, कौन नहीं हो सकता? 1:10, क्योंकि टोटल में 11 मार्बल्स नहीं हो सकते ना डेसिमल में हो सकते हैं। 9 का आंसर सी। बात है अपना 10th वाला, 2% की एज का रेशियो 5:7, 18 साल पहले उनका रेशियो 8:13 था, तो प्रेजेंट एजेस कितनी? तो प्रेजेंट एजेस को क्या मानना पड़ेगा, 5x और 7x मानते हो कि नहीं? अगर उनकी एज का रेशियो 5:7 दिया है तो उसे मानना पड़ेगा 5x और 7x। तो 18 ईयर्स अगो, तो -18 -18, इनका रेशियो 8:13। आई होप आपको ये इक्वेशन जमा जब स्क्रीन पे आ रहा है। एजेस को 5x 7x माना, 18 साल पहले -18 -18 किया और इसका आंसर आ गया 8:13। अब इसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जैसे स्क्रीन पे आ जाए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। पहले x आएगा, आएगा बेटा चिंता मत करो, आपको समझ गया ना क्या बोला मैंने? लिखा 5x - 18 upon 7x - 18 is 8:13। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालो कितना आ रहा है, टेन।
9x is 90, x आ गया 10. तो उनकी प्रेजेंट एजेस कितनी है? प्रेजेंट एजेस 5x थी और 7x थी, इन्हें 50 और कितना, 50 और 70, देखिए बेटा 50 and 70. एक्स टर्म का आंसर हो गया 50 and 70. ठीक है, आ गया स्क्रीन पे, बढ़िया. चलने दो, नेक्स्ट वन. इलेवन था, दो ट्रेन की स्पीड का रेशियो 7:8. पहली ट्रेन 350 किलोमीटर 5 घंटे में, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या? अब पहली ट्रेन मुझे बताओ 350 पांच घंटे में, तो उसका स्पीड क्या हो गया? फर्स्ट ट्रेन का स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, 350 अपॉन 5, 70 का स्पीड हो गया. तो 7 की जगह 70 दिया, तो 8 की जगह कितना होगा? बोलो बेटा कितना? 7 की जगह 70, तो 8 की जगह 80. वेरी नाइस. देखिए देव कुछ बोलना है बेटा आपको? देव, देव कुमार, देव. ओके, 12th वन. किसी को कुछ कहना है तो आप रिजाइन कर सकते हो, है ना. 40 लीटर ग्लिसरीन वाटर में ग्लिसरीन वाटर का रेशियो 3:1. अब मुझे बताओ 40 को 3:1 में कैसे डिवाइड करते? 3/4 × 40 जो कि 30 आएगा, और 1/4 × 40 जो कि 10 आएगा. यानी बेसिकली इसमें 30 ग्लिसरीन है और 10 वाटर है. अब वाटर कितना ऐड करे ताकि रेशियो क्या बोला, 2:1 बन जाए. वाटर कितना ऐड करें कि रेशियो 2:1 बन जाए? तो वाटर x ऐड करेंगे तो इसका रेशियो 2:1 बन जाए. देखो इक्वेशन जमा के मैंने लिखा हूं, आएगा 2-5 सेकंड में. 40 लीटर है 3:1, तो 30 और 10 5 लीटर 5, तो आंसर 5 आता है सॉल्व करने का. नाइस. चल आगे बढ़ते हैं. इनकम्स ऑफ ए एंड बी का रेशियो 3:2 दिया है, बहुत फेमस क्वेश्चन है. 30 इनकम का रेशियो 3:1 दिया है, सॉरी 3:2 एक्सपेंस दिया, 5:3 1500 की सेविंग्स. देखो अब इनकम 3:2 यानी 3x और 2x उनकी इनकम हो गई. इनकम में से अगर सेविंग्स माइनस किया तो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज इनकम माइनस सेविंग्स? इनकम माइनस सेविंग को कहते हैं एक्सपेंस, और इसी एक्सपेंस का रेशियो आपको दिया है 5/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 9x - 4500, 10x - 15000, सॉरी 7500. यहां से 3000 आ गया आपका x, और पूछा गया था बी का इनकम. बी की इनकम थी 2x, 2 × 3000, आंसर है 6000. आई होप आपको जमा एकदम रियल टाइम में आया ये तो, ना? अब शायद आने लगा है, धूप निकली है शायद बाहर. गुड, लिख लीजिए बेटा फटाफट. डन ये सबका? हेलो मैम. यस सर. हेलो. यस ना. ओके. 14th क्वेश्चन देखिए. 14 में आपको दो चीजें गिवन है, ये और ये. याद है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? जब भी मैथ्स में तीन चीजें इक्वल दी हो, तीनों को के मान दिया जाए. तीनों को के माना तो पहला भी के, दूसरा भी के, और ये थर्ड वाला भी के हो जाएगा. पहला अगर के है तो यहां से एक्स कितना आ जाएगा? के का पावर पी. यहां से वाई आ जाएगा के का पावर क्यू, और यहां से जेड आ जाएगा के का पावर आर. ठीक है, अब मुझे बताओ यहां लेफ्ट साइड से ये तीनों एक्स वाई और जेड की वैल्यूज ये एक्स वाई जेड की जगह पुट कर देंगे हम लोग, राइट साइड में जो इन्फॉर्मेशन दिया है. और कभी कभी ये राइट साइड की इन्फो नहीं दी जाती है तो क्या लिखते हैं हम लोग? याद है 5 × 4 = 20 या इस टाइप का कुछ था.
तो x की वैल्यू पुट किया kp, y का kq, z का kr. क्या मैं 1 को k रेस टू 0 बोल सकता हूँ? हाँ, एनी नंबर रेस टू 0 इज 1, तो 1 को k रेस टू 0 भी कह सकते हैं. तो ये k का पावर p प्लस q प्लस r, k का पावर 0. तो यहाँ से p प्लस q प्लस r आ गया आपका 0. नोट कर लो बेटा, ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म. यही पूछा था उसने, देख लो. यस, देखिए फटाफट. देव बेटा कुछ बोलना है आपको? सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही ना. बेटा एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करो, और कोई रास्ता नहीं है. स्क्रीन अभी दिख रही है सब लोगों को. सर मैंने दो बार दो चार को नहीं दिखे, अब वही रास्ता है, वही करना पड़ेगा. सर मुझे भी नहीं दिख रही है, लॉग इन किया वापस 3 बार. अच्छा सर मैं, हाँ मैंने तो मम्मी का नेट चला था, मैंने भी लॉग इन किया सर 3 बार, नहीं दिख रही स्क्रीन. आप जिसको नहीं दिख रही एक बार रेज हैंड कर दो बेटा, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है रेज हैंड कर दो वहां पे. दस पंद्रह लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है बस रेज हैंड कर दो, मैं समझ जाऊंगा. ओके, कुछ 9 लोग है जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है. 10, 11, 10. बेटा एक्चुअली ना मेरे तरफ से स्क्रीन चला गया है. अब देखो ना, मेरे सामने ना एक फीडबैक स्क्रीन होता है कि बच्चों को कैसा दिख रहा है. आपको दिखता होगा कि बार बार कभी मैं कैमरा देख रहा हूँ, कभी स्क्रीन देख रहा हूँ आंखों के मूवमेंट से. तो दिख तो रहा है स्क्रीन. अब एक्चुअली वो कुछ ना कुछ इशू अपने, मतलब आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. अब वो या तो माइक्रोसॉफ्ट करेगा, या तो वो एक्चुअली लॉगआउट लॉग इन का ही प्रॉब्लम है. एक साथ बहुत सारे लोग हो गए ना, तो आप चिंता मत करो, ये हम ना यूट्यूब पे भी स्क्रीन पे डाल देंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा आज ही. तो आप लोग वहां भी एक बार चेक देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब की. ठीक है, अभी जितना आप सुन सकते हो उतना सुनिए, और वो स्क्रीन आ जाएगा, दो चार का जाएगा, दो चार का आएगा, इस टाइप में कुछ. ओके, 16th देख लीजिए. हाँ तो आज 15 को देखते हैं, 16 देखो पहले. x दिया है, यहाँ पे x क्यूब की बात किया, दिया है x से, पूछा x क्यूब. अब ऑटोमेटिक x क्यूब तो नहीं आएगा ना, हमें क्यूबिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा. क्यूबिंग बोथ साइड्स कैसे, इसका भी क्यूब किया, इसका भी क्यूब किया. क्यों क्यूबिंग किया? अगर क्यूबिंग नहीं करूंगा तो वहां पे x क्यूब कैसे आएगा ना. तो क्यूबिंग बोथ साइड्स किया. जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, चार पांच लोगों को, आप लोग भी लिख लीजिए जैसा मैं डिक्टेट कर रहा हूं, है ना. इसी साथ साथ हो जाएगा, छोड़ दोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी. यस, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ए प्लस बी. ठीक है, x का क्यूब इक्वल टू ये हो गया 3 + 3 - 1 + 3 × ये दोनों ब्लू वाले आपस में मिलके 1 होता है सीधा सीधा, 1 क्यूब. दोनों की पावर ऐड होंगी, 3 का पावर 0 बचेगा, विच इज नथिंग बट 1. और ये जो रेड वाला है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही x दी थी. यहां से x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 3 + 3 - 1 मतलब 1/3. ठीक है, तो ये थ्राइस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x हो जाएगा आपका. सॉरी, 3 ऊपर अभी आ ही नहीं सकता, अनजस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, शॉर्टकट मारने की कोशिश की थी, नहीं मारूंगा. 9 + 1 = 10/3, 3 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x³ - 9x = 10. 10 इज योर आंसर, डी, ऑप्शन डी. लिखिए फटाफट. जिन लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप लोग कंटिन्यूअसली हैंड रेज रखिए, ताकि मुझे एक आइडिया रहेगी, ताकि कल से जो सेशन होंगे, मे बी आज हम रात में कुछ वर्कआउट करते हैं, तो जिनको जब भी स्क्रीन नहीं दिखती है आप लोग रेज हैंड कर देना. तो अभी मेरे हिसाब से स्क्रीन दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा है मुझे बताइए, मैं माइक्रोसॉफ्ट में आज शाम में बात कर लूंगा. ओके, बेसिकली 4-5 लोग हैं अभी. आकाश आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी?
और श्रुति आपको भी पहले नहीं दिख रहा था ना? नो सर। ओके फिर रेज हैंड रखो। सर अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है दिख लो फिर। तो रेज हैंड हटा देना दिख गया तो। ठीक है आगे। फिफ्टीन बचा था ना? फिफ्टीन को ओरली बना के देखते हैं हम लोग। ये एल है बेटा, मे बी नहीं दिख रहा बट ये एल है। हाँ क्या हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा एक्स का पावर एल माइनस एम और बाजू का एल स्क्वायर एल एम प्लस एम स्क्वायर। कोई फॉर्मूला है बेटा ये देखा देखा लग रहा है? दोनों का प्रोडक्ट एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर एल क्यूब माइनस एम क्यूब है ना। ऐसे ही सभी के क्यूब्स हो जाएंगे। बाजू वाले का एम क्यूब माइनस एन क्यूब होगा। ये रेड में दिखेगा नहीं, सॉरी ब्लैक में। एक्स का पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब, एम क्यूब माइनस एन क्यूब और एक्स का पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। तो मैं कहता हूँ सारी पावर्स को आप ऐड कर दोगे तो सब लोग जीरो हो जाएगा, आंसर वन आ जाएगा। कॉमन बेस सभी पावर्स को ऐड कर दो, सब कुछ कैंसिल होकर जीरो बचेगा, यानी कि आंसर आपका वन आ जाएगा। देखिए फटाफट, इजी था एकदम, उधर ही बना सकते थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 देखो एक्स वाई साइड फाइंड करना है आपके पास 10 सेकंड से फाइंड करने के लिए, फटाफट कीजिए, इससे ऊपर टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में। फाइंड कीजिए बेटा फटाफट एक्स वाई साइड चाहिए आपको। तो मैं कहता हूं कोई भी एक जगह से स्टार्ट करो। 6 आ गया, वेरी नाइस। कोई भी एक जगह से स्टार्ट किया। अब आर की वैल्यू क्या है? वो आर की जो वैल्यू है उसे उठा के आर की जगह पुट कर दो। कितना? क्यू का पावर वाई आर की जगह पुट किया, ऊपर का जेड जगह पे, पी का पावर 6 जगह पे। तो ये हो गया क्यू का पावर वाई जेड पी का पावर 6। अब क्यू की जो वैल्यू है उस क्यू की जो वैल्यू है उसे क्यू की जगह पुट करो। क्या वैल्यू है क्यू का? पी का पावर एक्स। तो इस पी का पावर एक्स को क्यू की जगह पुट कर दो, ऊपर वाई जेड और ये पी का पावर 6। तो पी का पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू पी का पावर 6, देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल टू 6। ठीक है बेटा लिख लीजिए फटाफट। आई होप बाकी लोगों को दिख रहा है। देखिए फास्ट देखिए, श्रुति दिख रहा है ना बेटा आपको? यस सर। बढ़िया। आगे एटींथ, में क्या दिया है? x दिया, y दिया, z दिया, n की वैल्यू पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से वैसा ही कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा कोई भी एक जगह से। जैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ वापस लास्ट वाले से, मुझे लास्ट वाला अच्छा लगता है स्टार्ट करने के लिए। अब x की क्या वैल्यू है? उस x की वैल्यू को यहाँ उठा के यहाँ पुट कर देंगे x की जगह। तो ये हो गया वाई का पावर 3 एक्स की जगह पुट किया। अब वाई का क्या वैल्यू है उसे उठा के वाई की जगह पुट करना है। कर दो z का पावर 1/5 z का पावर n। तो z z कॉमन हो गया, सॉरी क्यूब भी था ना यहाँ पे। x को पुट किया पहले, अब y को पुट किया पावर 3 एज इट इज और 2 का पावर n। तो z का पावर 3/5 z का पावर n, देयरफॉर 3/5 इक्वल टू n। चेक करो बेटा कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लो। Yes, sir. है ना? 3/5 n का वैल्यू आ गया 18।
अब आ रहा है स्क्रीन पे, होपफुली गुड है, मतलब रियल टाइम है, बाकी दो तीन लोगों का इश्यू चल ही रहा है अभी भी। देव आपको बीच में दिखने लगा था क्या, देव कुमार? हाँ थोड़ा दिखने लगा था, अभी तो पूरा ही बंद हो गया। ऐसा है क्या? नहीं ठीक है, थोड़ा दिख रहा था ना। देखता हूँ मैं, या तो YouTube पे स्ट्रीमिंग करना पड़ेगा, बट कुछ लोग इसमें कुछ लोग उसमें, ऐसा कल से वो देखते अब शाम में होगा, जिनको नहीं दिख पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 19th देखिए, 19th क्या, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स, देव आपका म्यूट बन लीजिएगा कि ऑन रखिए, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अलोंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अ बॉय टुक शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल, दो एडजेसेंट साइड जाने की जगह उसने शॉर्टकट लिया अलोंग द डायगोनल एंड सेव्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड। ओके, अब शॉर्ट और लॉन्ग का रेशियो क्या ये पूछा है। उस बॉय ने क्या किया, ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड में जाने की जगह उसने शॉर्टकट दिया, ये लॉन्ग साइड ये शॉर्ट साइड। ठीक है, आपको काय का रेशियो पूछा है, शॉर्ट टू लॉन्ग का रेशियो पूछा है। उसने क्या बोला, उसने शॉर्टकट दिया, शॉर्टकट दिया तो क्या हुआ, ये हो गया आपका ए बी सी, वो ए सी गया, ए बी प्लस बी सी की जगह ए सी गया तो क्या हुआ, कितना सेविंग हो गया, अगर ए बी प्लस ए सी जाता, सॉरी ए बी प्लस बी सी जाता, कौन सा लंबा रास्ता है, ए सी वाला लॉन्ग हो गया क्या, ए बी प्लस बी सी लॉन्ग हो गया, बताओ, ए बी प्लस बी सी लॉन्ग है ना, ए सी इज द शॉर्टकट, तो कितना सेविंग हुआ, मतलब ए बी प्लस बी सी बड़ा है तो सेविंग उसमें से माइनस कर दो, कितना सेविंग है, हाफ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड मतलब ए बी उसका हाफ, अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल क्यों हुए, पहले इक्वल नहीं थे, ये बड़ा था बट उसने सेविंग कितना किया, यहाँ पे दिया है सेव द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर का हाफ उसने सेव किया, तो जो सेव किया उसे वहां या तो राइट से माइनस करो या तो लेफ्ट में ऐड करो, तो दोनों इक्वेट हो गए। अब एसी कितना है आपका, एसी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मानते हो बेटा पाइथागोरस थ्योरम, एसी इज अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी आपका एल है, बी सी आपका एस है, ए बी आपका एल बाय टू, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एल बाय टू प्लस एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सही कर रहा हूं ना बेटा, हेलो टू का स्क्वायर फोर इधर आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सब सही जा रहा है कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि कुछ तो छूट गया बीच में, सब कुछ एल स्क्वायर इज फोर एल एस, एक एक एल कैंसिल हो जाएगा तो आपको थ्री बाय फोर आ गया एस अपॉन एल है क्या, ऑप्शन में चेक करो बेटा, थ्री बाय फोर है ना, बढ़िया। जमा क्या किया है, डायरेक्ट डायग्नोसिस किया, अभी क्वेश्चन अपन ने पढ़ा ही नहीं कभी, अभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपने को लॉजिक लगाना है, डायरेक्टली गया, डिस्टेंस शॉर्ट था, कितना कितना डिस्टेंस सेव हुआ, सेविंग थी वो हाफ ऑफ लॉन्गर साइड, एल बाय टू का सेविंग था, तो एल प्लस एस में से एल बाय टू हटाया तो ये डायगोनल मिल गया था हमें। इसमें डाउट किसी को? ओके आगे बढ़ते हैं, देव कुमार दिख रहा है ना आपको अभी? यस सर दिख तो रहा है बट लैगिंग चल ही रहा है। हाँ ठीक है वो जो भी है, बट लैग नहीं है अभी, मेरे तरफ से लैग नहीं है,
ठीक है सर, ओके चलता है ना, स्क्रीन दिख रही है ना, वही बड़ी बात है। चलो नेक्स्ट वन। ट्वेंटी देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ट्वेंटी। मुझे बताओ ये ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग ट्वेंटी में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, तो क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली करना चाहता हूं माइनस, तो क्या हो जाएगा? वाई माइनस हो जाएगा और जेड प्लस हो जाएगा, ये हो गया ए माइनस बी। आप लोगों को जमा गया कि मैं पूरा लिखूं ऐसा? एक्चुअली यहाँ पे ब्रैकेट था ए माइनस बी, अब मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, चलेगा ना आप लोगों को? और ये ए प्लस बी, नीचे भी ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखो कुछ तो यहाँ पे कैंसिल होता होगा, क्या कैंसिल होता है? ये कैंसिल हो गया, चलो इसमें दिक्कत जाने वाली है, तो एक और काम हम लोग यूज करते हैं। अगर ये मेथड थोड़ी लंबी जा रही है तो एक और रास्ता मैंने आपको सिखाया, वो क्या सिखाया बेटा? वो यूज करते हैं। क्या बताया था? ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? एक्स वाई सेट को क्या मान देंगे? वन टू थ्री वैल्यूज पुट करते चलो, वन स्क्वायर टू माइनस थ्री का स्क्वायर, वन प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। देखो काफी लेंदी हो रहा था, टाइम वेस्ट होने वाला था, तो मैंने क्या किया, ये वाला मेथड यूज किया। बट यहाँ पे गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुई बेटा? ये देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई मेरा थ्री आ गया और जेड मेरा थ्री, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर क्या होता है? जीरो होता है, मगर डिनोमिनेटर में जीरो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, मतलब जो मैंने वैल्यू अज्यूम किया वो वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट कर सकता, मैं कुछ और करना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा क्या बोला? वन टू थ्री नहीं तो क्या कर सकते और? इसमें डिनोमिनेटर जीरो ना हो, मैथ के दो ही लिमिटेशन है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना, रूट में नेगेटिव नहीं होना। बोलो बेटा क्या देख सकते हैं? क्या बोले बेटा? x equals to y equals to z equals to 1, सबको 1 कर दिया, नहीं एकदम 1 नहीं करना, उसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, बट ये सब वो भी कर सकते हो, है ना, बट 10% चांस होते हैं गलत होने के, तो इसलिए ऐसा कुछ। अब डायरेक्ट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, y माइनस z कितना है? y माइनस z माइनस 1, सॉरी माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, x प्लस जेड 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 4, x माइनस जेड माइनस 3 का स्क्वायर 9, x प्लस वाई 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर 16, x माइनस वाई का स्क्वायर 1, y प्लस जेड 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर 1। अब बस इसे सॉल्व करना बचा है, माइनस 3 बाय 21 माइनस 5 बाय 7 15 बाय 35, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 7 प्लस 5 बाय 7, 5 3 सा 5 7 सा, सबका डिनोमिनेटर 7, माइनस 1 प्लस 5 प्लस 3 कितना आ गया? 7। इजी निकला है तो काफी, है ना? देखिए फास्ट फास्ट, हाँ फास्ट देखिए, ओके नेक्स्ट वन ना, 21
21 में क्या करेंगे, मिटा दो ना ये 20 हो गया सबका लिखना. यस एवरीबडी, 1 2 4 माना था. देखो सबका बेस 2 दिख रहा है आपको, 2 का पावर x प्लस y, 2 का पावर 2x माइनस y. ये क्यूब रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यूब रूट ऑफ 8 को, क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 8 का पावर हाफ, 8 मतलब 2 का पावर 3 हाफ अपनी जगह पे, यानी 2 का पावर 3/2 हो गया. 2 का पावर 3 मतलब 8 और पावर हाफ रूट के कारण, तो अंडर रूट 8 को क्या लिखा है, 2 का पावर 3/2. सबके बेस सेम, तो x प्लस y भी 3/2 हो गया इक्वेशन 1, और 2x प्लस y भी 3/2 हो गया इक्वेशन 2. अब दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा कितना आता है मुझे भी बताओ, 2x माइनस y. हाँ 3x आ गया, 3x आ गया 1, x 1 आता है तो y हाफ, 1 और हाफ आ रहा है बेटा, चेक कर तो आ रहा है क्या, ओके सर आ रहा है 1 एंड हाफ. ओके बेटा हेलो, यस सर क्वेश्चन करते चलो. ओके बढ़िया, नेक्स्ट वन इजी है ना, काफी इजी है ना. देखिए x y z टुगेदर स्टार्ट्स अ बिजनेस. x ने इन्वेस्ट किया 3 times एज मच एज y, y ने 2/3 ऑफ व्हाट z इन्वेस्ट. 22nd में क्या बोला, x ने कितना इन्वेस्ट किया, 3 times एज मच एज y. x ने इन्वेस्ट किया 3 times एज मच एज y, y ने कितना इन्वेस्ट किया, 2/3 ऑफ व्हाट z इन्वेस्ट. अब रेशियो ऑफ x y z आपको फाइंड करना है. x y और z, x कितना है 3y, y कितना है y कितना है बेटा 2/3 ऑफ z, y की जगह 2/3 ऑफ z आ गया. एक्चुअली y को y रखना पड़ेगा क्योंकि रेशियो तब निकलेगा जब तीनों सेम आएंगे. y को चेंज नहीं करता हूं, z को चेंज करता हूं. z कितना आ जाएगा यहां से, z हो जाएगा 3/2y. आई होप जमा आपको, y अगर 2/3 z है तो 3 ऊपर 2 नीचे, z आ गया 3/2y, z की जगह 3/2y. सबके y y कैंसिल हो गए, ये आ गया 3:1:3/2, 3/1, 3/2, ये आपका आंसर हो गया. मगर रेशियो में कभी डिनोमिनेटर्स नहीं चलते, तो डिनोमिनेटर 2 हटाने के लिए सभी को इंटू 2 करना पड़ेगा. इंटू 2 किया तो ये आ जाएगा 6, 2 और ये 3, 6, 2, 3, 6, 2, 3, ऑप्शन डी. देखिए फटाफट, ओके मैम, किसी को डाउट दिक्कत है इसमें तो बता दीजिए. तो मिटाता हूं इसे, आगे बढ़ते हैं. अब ये वही क्वेश्चन आ गया जो हम कर चुके हैं. देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. तो ये मैथ्स में कभी तीन चीजें इक्वल, तीनों को क्या मानते हैं बेटा बोलो, के मान लेंगे तीनों के, तो पहला भी के, दूसरा भी के और तीसरा भी के. अब मुझे बताओ 3 क्या हो जाएगा, k का पावर 1/x, 5 हो जाएगा k का पावर 1/y, 75 हो जाएगा k का पावर 1/z. ये जमा आपको कैसे किया है, x इधर नीचे आ गया, y भी इधर और z भी इधर, राइट. अब मुझे बताओ ये 3, 5 और 75, जैसा पिछले क्वेश्चन में xy z 1 दिया था, यहाँ पे 3, 5, 75 में कोई कनेक्शन नहीं दिया, मगर क्या आप कनेक्शन जानते हो 3, 5, 75 में बोलो. 25, 3 से 75, यानी कनेक्शन क्या हुआ, 25 × 3 = 75. अब 5 की वैल्यू k का पावर 1/y इसका होल स्क्वायर, 3 का पावर 1/x और 75 का पावर 1/z, ठीक है, k का पावर 2/y, 1/x और ये 1/z.
अब दोनों की पावर्स ऐड होंगी तो 2 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स, यहाँ पे 1 बाय जेड, दोनों का सॉरी के का पावर 1 बाय जेड। बेसिस सेम है दोनों के, तो 2 बाय वाई प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 बाय जेड। अब ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या आपको? ढूंढो ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या? सीधा सीधा नहीं दिख रहा है मगर कहीं ना कहीं होगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है, एबीसीडी? बोलो बेटा एबीसीडी कौन सा ऑप्शन है। बढ़िया, और सब पहले दो टर्म्स घुमा के देखा और कुछ भी नहीं किया है ना। आप लोग फॉलो कर पा रहे हो बेटा? आप लोग फॉलो कर रहे हो ना मुझे अच्छे से? आपको लगता है थोड़ा फास्ट बता देना। यस नहीं सर, थोड़ी दिक्कत जा रही है। हाँ बेटा क्या दिक्कत जा रही है आपको, बोलो। नहीं मतलब बहुत लेट शो कर रहा ना। हाँ बेटा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा आज ही, है ना, तो फिर आप वहां भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो उसमें एकदम रियल टाइम यूट्यूब पे स्ट्रीम हो सकता था ना। क्या बोले बेटा? यूट्यूब पे स्ट्रीम कर सकते थे। हाँ कर सकते थे ना, वहां पे लैग नहीं होता था ना इसलिए। हाँ नहीं वो अभी टीम्स के थ्रू नहीं है वो ऑप्शन, आज वर्कआउट करना पड़ेगा। अब दिक्कत आज गई ना पता चला, तो यूट्यूब का आइडिया तो अभी आया, करता हूँ कुछ, है ना। अभी जो भी है आप देखो क्वेश्चन तो पूरा, आप देखो अभी आ गया होगा ना स्क्रीन पे आपके पूरा। हाँ अब तो आ गया है, फटाफट लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट दे देना और आज के आज कंप्लीट कर देना है पूरा, ठीक है? अब वो दो चार को दिक्कत जाती है, अब एकदम 300 हो गए ना तो 280s में है तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। चलो आगे 24th बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एबीसी आपको 2 दिया है, आपको इनका आंसर पूछा। ये टेस्ट सीरीज में आया था क्वेश्चन, एक बार कोई कंफर्म करना, या शायद मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आपने कभी किया नहीं। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करना? बस आपको ये समझता है क्या, 2b-1 मतलब 2/b होता है, 2b-1 मतलब 2/b? हाँ ना बोलो बेटा। अब कौन से तीन लोगों का प्रोडक्ट 2 होता है ये मुझे बताओ। जैसे मैं इसे ऐसा मान सकता हूँ 1 × 1 × 2 = 2, मैंने एबीसी को 1 1 2 मान लिया, ए को 1, बी को 1, सी को 2, क्योंकि 1 × 1 × 2 = 2 होता है। ओके ना, एबीसी को 2 कैसे माना, ए को 1, बी को 1 और सी को 2, तो प्रोडक्ट 2 आ गया। अब इसे राइट साइड में पुट करना है सबकी जगह, 1/1 + a कितना है, a है आपका 1 और b कितना है, b है आपका 1, फिर से b कितना 1 और c कितना, ये 1/c है ना, 1/c, तो 1/c में c की जगह पुट करूंगा मैं 2, ये हो जाएगा 1/2, 1/1 + a का पावर -1 मतलब 1/a, 1/a ने 1/1 और साथ में c जो कि 2 है, हो गया 1/4 + 1/2 + 1/4, आंसर आ जाएगा 1, एक चौथाई, एक चौथाई आधा, आधा आधा एक। देखिए बेटा फटाफट, धन सबका। जमा बेटा एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता हो तो क्या करेंगे, 1 1 2 मान के आगे बढ़ेंगे। इसका मेथड भी है, मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया था, इन्होंने व्हाट्सएप पे डाउट भेजा था कि आप ये जो 2/b को नीचे दे जाएंगे तो 2/b की जगह ac पुट करना, तो भी बन जाता है 4-5 स्टेप एक्स्ट्रा, बट ये काफी ईजी हो गया। नहीं, एक बैग में 23 नंबर ऑफ कॉइन्स है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के, टोटल सम ऑफ द कॉइन्स इज ₹43, रेशियो बिटवीन 1 रुपए 2 रुपए 3:2, नंबर ऑफ 1 रुपए के कॉइन्स कितना, 23 कॉइन्स। ₹1, ₹2, ₹5, इसके 3:2 को क्या मान लूंगा, 3x, 2x, और इसको y मान देते कोई तीसरा, उसके y कॉइंस,
मैंने बेसिकली आपको एक इक्वेशन दे दिया कि 23 नंबर ऑफ कॉइंस, 3x ये नंबर ऑफ कॉइंस, टू एक्स और वाई, ये दिया है आपको 23, फाइव एक्स प्लस वाई दिया है आपको 23, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब आगे सम इज रुपीज 43, सम कैसे निकालते, 43 कैसे निकाला जाएगा भाई, 3x कॉइन है 1 रुपए के, 2x कॉइन है 2 रुपए के और y कॉइन से 5 रुपए के, टोटल सम आ गया आपका 43, ये हो गया 3x प्लस 4x प्लस 5y 43, 7x प्लस 5y इक्वल टू 43, इक्वेशन नंबर टू। स्क्रीन पे आ गया बेटा इक्वेशन नंबर टू जो मैंने दिखा हूं, हेलो यस सर, बढ़िया गुड। अबे दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जो आपको आता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, है ना, इसे इनटू 5 करके सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो आएगा 25 माइनस 7 18x 115 43। कितना आ गया बोलो, 4x आ गया ना, 12, चेक कर दो सर, चेक करो बेटा आया कि नहीं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करके देख लिया मैंने, वेरीफाई भी हो गया। अब 1 रुपए के कॉइंस कितने थे, 1 के कॉइंस 3x, 3x माने 3 × 4 यानी कि 12 कॉइंस, मुझे सबके पता है अभी, y के 2 रुपए वाले 2x यानी कि 2 × 4 8 कॉइन, और 5 रुपए वाले के 3 कॉइन, हमने वेरीफाई भी करके देख लिया, देखिए फटाफट। डन है सबका, डन है, यस मैन, यस सर, ओके। अरे वाह ये तो बढ़िया, अपना कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन, चलो करके देखते हैं। वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर, पहले ए कितना है निकाल दीजिए, ए आ जाएगा यहाँ से आपका, कैलसी पे निकालेंगे, कैलसी पे बेसिकली, बिना कैलसी के भी कर सकते हैं, रूट सिक्स प्लस रूट फाइव ना, नीचे का पहले मैं निकाल के रख देता हूँ, 6√-5√, और इसे एम प्लस करके रख देता हूँ, अब ऊपर का निकालूंगा 6√+5√ डिवाइड बाय एम आर सी इक्वल टू, ये आ गया 21.954, ए आ गया, वैसे मैं बी भी निकाल के रख देता हूँ, बी इसका रेसिप्रोकल डिवाइड इक्वल टू किया है मेरा बी है 0.0455। अब मुझे क्या चाहिए, 1/a² + 1/b², मतलब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, बेसिकली मुझे इसका स्क्वायर चाहिए, अब स्क्रीन पे आने का है मुझे पता है, मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, मतलब आने का होगा, तो वेट करता हूँ, अभी आ गया स्क्रीन पे, देखो ए भी आ गया है बी भी आ गया है, अब दोनों के स्क्वायर करने वैसे तो कल के, तो ये पहले वाले का स्क्वायर करूंगा इनटू इक्वल टू, फिर से करता हूँ देख के, पहला कौन है 21.954, ये ए है, ए मतलब 1/b इसका स्क्वायर एम प्लस उसी का रेसिप्रोकल एम प्लस एम आर सी, देखो कितना आया 482 आया क्या बेटा, 482 हाँ सर, गुड, इजी था, ऐसे हम बहुत सारे प्रैक्टिस किए याद होगा आप सभी को, तो
अब ए और बी रेसिप्रोकल कर देते, वन अपॉन ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर हो गया, वन अपॉन बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया, इन शॉर्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना था आपको और कुछ नहीं। अब मेथड नई कैलकुलेटर यूज करना है तो भी ठीक है। ए बी बी सी सी डी दिया, ए बाई डी कितना है, तो बहुत इजी है। ए बाई डी कैसे निकालेंगे, ए बाई बी इंटू बी बाय सी इंटू सी बाई डी, नेक्स्ट वाला तीनों को इंटू करेंगे, ए बाई बी बी बाय सी सी बाई डी को, तो ए बाई डी आ जाएगा कितना रहे देखो, 3 1 3 2 4 4 16 by 35 16 by 35 इसका आंसर हो गया। देखिए फटाफट 27 था ये, इजी वन है ना। बढ़िया, नेक्स्ट वन 28। ₹5 कॉइन टू नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइंस इज 8/15, टोटल ₹5 कॉइंस की वैल्यू 360, नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइंस कितना, तो ₹5 टू नंबर ऑफ 10 रुपी इज 8/15, टोटल वैल्यू 5 रुपी कॉइंस की 360, नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइंस इज। कितना मानेंगे बेटा कॉइंस को, अपने पास दो कॉइंस है, 5 वाले और 10 रुपी वाले, रेशियो है 8:15, तो इसे 8x माना, इसे 15x माना, देखो आने दो स्क्रीन पे, ₹5 और 10 रुपी 8/15, एक को माना 8x, दूसरे को माना 15x, टोटल वैल्यू, वैल्यू कैसे निकालते बेटा, वैल्यू 8x कॉइंस इंटू 5, ऐसे गिनते ना पैसे, 100 की 4 नोट, 400 कैसे आया, 100 इंटू 4, तो 8x कॉइंस इंटू ₹5 के प्लस 15x कॉइंस इंटू ₹10 के, इसका जो टोटल है, टोटल आ गया आपका 360, तो ये हो गया 40x प्लस 150x is 360, 190x is 360, आपका x आ गया बेसिकली 360 by 190, 36 by 90। क्या बोले बेटा, टोटल 5 रुपी कॉइन का 360 दिया क्या, सही बोले आपने एकदम, 5 रुपी का मैंने गड़बड़ कर दिया था, 5 रुपी कॉइन्स का 360 है, टोटल नहीं बेटा, ये 8x आपको ना 360 दिया है, तो अगर 8x आपका 360 है ₹5 के कॉइन्स, तो x आ गया आपका 45, जो मैंने किया उसमें वैसे भी गड़बड़ आ रही थी, चेक करना पड़ता था, एकदम बढ़िया बेटा, तो यहाँ से आपका x 45 आ गया, 10 रुपए के कितने, 15 × 45 कितना आ गया बताओ सर, नहीं नहीं एक मिनट बेटा, ये गड़बड़ हुई, सर 8x into 5 is equal to 360 होगा। हाँ सही बोले आपने एकदम, टोटल वैल्यू ये 8x is not 360, वैल्यू 8x into 5 ये 360 होगा, तो यहाँ से x आपका 9 हो जाएगा, अब सही है क्या बेटा, yes sir, अब 10 रुपए के coins 15x, 15 into 9 135, लिख लो बेटा, चलो 5 रुपी कॉइन्स का वैल्यू 360, 5 रुपी कॉइन्स का वैल्यू, वैल्यू कैसे आएगा, 5 × 8x वो 360, यहाँ से x आ गया आपका 9, तो 10 रुपए के कितने कॉइन्स, 15x, 15 × 9 135, इजी था एकदम, चलिए मिस्टेक मेरे एंड पे, चलो डन सबका, ये था आपका 28, 29 तब ये चार लोग प्रपोर्शन में है, एक्स कितना, चार लोग प्रपोर्शन में कब होते हैं, जब जब फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू थर्ड अपॉन फोर्थ,
फर्स्ट बाय सेकंड इक्वल टू थर्ड बाय फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 1/x हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 5 हो जाएगा आपका 2x, तो यहां से आपका x कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15/2, 2x 15 हो गया, x कितना आ गया 15/2, देखो आया क्या सबका? यस सर, बढ़िया, तो वो सी नहीं था ए था है ना, ओके जिसको स्क्रीन ना दिखे आप लोग रिजाइन करते जाना तो मुझे एक आइडिया लगते जाएगा क्या सिनेरियो बन रहा है। चलो 30 वाला देखते, 30 वाला उसी टाइप का जंप कर चुके हैं, जब भी कभी मैच में आपको तीन चीजें इक्वल दी हो तीनों को के मान देना, तीनों को के मानोगे तो पहला भी के दूसरा भी के और तीसरा भी के, तो यहां से यू कितना आ जाएगा, यू के का पावर 1/5x, 1/5x है, कंफ्यूज मत होना, 1/5x, वी आ जाएगा के का पावर 1/5y, और W आ जाएगा K का पावर 1/5z, तीन चीजें इक्वल थी तीनों को K माना तो यहां से U, V और W का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू को हमें यूज करना है बाजू के स्टेटमेंट में जो हमें गिवन है, क्या गिवन है कि U स्क्वायर इक्वल टू V इंटू W, अब U कितना है उस U को यहां से उठा के U की जगह पुट करो, V W को भी लेफ्ट से उठा के राइट साइड में पुट करना है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, ये हो गया पहला u का वैल्यू, इसका होल स्क्वायर तो रहेगा, v का वैल्यू ऐसा कुछ और w का वैल्यू ऐसा कुछ, देखिए बेटा जमाए ठीक है, तो अब ये हो गया k का पावर 2/5x, k का पावर 1/5y, देखो यहाँ पे दोनों का बेस सेम दिख रहा है आपको, के राइट साइड में दोनों का बेस सेम, तो दोनों की पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, तो 1/5y + 1/5z, दोनों का बेस सेम, therefore 2/5x = 1/5y + 1/5z, 1/5 कॉमन, शॉर्टकट भी मार सकते हो बट मैं एक एक स्टेप दिख रहा हूँ, 5/5 कैंसिल, 2/x हो गया, y + z / yz, ऊपर में देखो ये सब एक साथ लिखा ना उसने, इसलिए मैं भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसे, क्योंकि xz - 2yz पूछा है, तो 2yz = xy + xz, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो स्क्रीन पे आने की क्रॉस मल्टीप्लाई वाली स्टेप आ जाएगी, तो 0 = xy + xz - 2yz, तो यही पूछा था, यस, तो इसका आंसर क्या हो गया 0, देखिए लास्ट की स्टेप आने की स्क्रीन पे आ जाएगी, ये था अपना फर्स्ट चैप्टर। सर थर्ड स्टेप में 1/5 कॉमन लिए गया? हाँ बेटा 1/5 कॉमन लिया, राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, हम आता है आपका, ये अपना फर्स्ट टॉपिक था जो हो गया है फर्स्ट चैप्टर, आपको टेस्ट सीरीज के जो डाउट्स हैं हम लोग एंड में इवनिंग में देंगे सारे टेस्ट सीरीज के पेपर्स 1/1 तीनों राउंड्स के, ना ये एक चैप्टर हो चुका है बेसिकली, लॉग भी देख लेते हैं, दोनों बेसिक चैप्टर्स हो जाए एक बार के,
अब लॉग में ज्यादा फंडा तो नहीं है, हमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जब भी 2 का पावर 3 या 10 का स्क्वायर अगर 100 है तो इसे लॉग के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाता है लॉग ऑफ 100 बेस 10 इक्वल टू 2। एरो की मदद से आप लोग याद रख सकते हो, चेक कर सकते हो कि 10 का पावर टू 100 यानी अपन ने सही किया, ऐसा दिख जाएगा आपको। ये हो गया लॉग का बेसिक, आपको दोनों कन्वर्जन आने चाहिए, एक चीज। दूसरा फिर यहाँ पे था कि जब भी आप लॉग ऑफ 200 कुछ निकालते थे तो इसका आंसर कितना आता था, लॉग ऑफ 200, 200 में होते थे 3 डिजिट्स तो उसका आंसर आता था 2 point something, एक कम करते थे डिजिट, याद है आप सभी को। और 200 को हमें देखना होता था लॉग टेबल में 20 के सामने, जो कि दिया होता था 3010। एग्जाम में आपको लॉग टेबल देखना वुडंट बी रिक्वायर्ड, मगर ये एक वैल्यू आपको आनी चाहिए। इस गिवन केस में जब भी 200 का लॉग निकालो तो ये जो फर्स्ट पार्ट है डेसिमल के पहले वाला, जिसे कहते हैं इंटीग्रल पार्ट, उसे कहते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक। और जो डेसिमल के बाद का सेकंड पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग मेंटीसा। फर्स्ट पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड पार्ट हो गया आपका मेंटीसा। तो ये लॉग के दो पार्ट्स। इसी में एक और चीज थी, जब आप एंटी लॉग निकालते थे किसका, 2.3010 का राइट साइड का एंटी लॉग, तो वो आता था 200। अगर 200 का लॉग 2.3010 तो 2.3010 का एंटी लॉग 200, ठीक है। तो निकालते वक्त हम लोग क्या करते थे, एंटी लॉग टेबल में 0.3010 देख के इनटू 10 का पावर 2 इस टाइप से कुछ करते थे। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक 2 ही है और मेंटीसा 0.3010 ही है, 200 को कैरेक्टरिस्टिक मत बना देना, ठीक है। लॉग निकाला किसी का, उसका जो आंसर होता है उसमें सी और एम होता है, एंटी लॉग के सामने सी और एम होगा। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले थे जो हमें आने चाहिए थे। फॉर्मूले क्या थे, पहला लॉग ऑफ ए इंटू बी, क्या होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी, बोलो बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी है ना, लॉग बी, यस। लॉग ऑफ एम बाय एन क्या था, लॉग एम माइनस लॉग एन सेकेंड वाला। और लॉग ऑफ ए का पावर बी क्या था, लॉग ऑफ ए का पावर बी, बी लॉग ए। ऊपर का पावर नीचे तब आता था जब वो केवल ए के ऊपर है, नॉट लॉग ए का होल पावर। चौथा फॉर्मूला देखा था हमने, लॉग ए बेस बी, क्या होता है लॉग ए बेस बी, लॉग ए अपॉन लॉग बी। एंड लॉग एम बेस एम आपका वन होता है, सिक्स्थ वाला फॉर्मूला। आई होप आपको ये क्लियर है, बस इतना सा फॉर्मूला था, काफी छोटा चैप्टर, एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे लॉग के एग्जाम में। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड एज, इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं लॉग के, मुझे बताओ ये log 9 base 4 को क्या देख सकते हैं हम लोग, log 9 by log 4, log a base b, log a by log b, second वाला, तो log 9 by log 4, log 2 base 3 को log 2 by log 3। अब मुझे बताओ क्या मैं log 9 को log of 3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ, 4 को 2 का स्क्वायर, हाँ। अब log 3 का स्क्वायर क्या होता है, ऊपर का 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में जाके ऊपर का 2 नीचे आने के बाद 2 log 3 हो जाएगा, उसी का डिनोमिनेटर का 2 नीचे आया तो 2 log 2 हो जाएगा, इंटू log 2 बाय log 3। अभी यहाँ पे कई सारी चीजें कैंसिल होने वाली है, अरे बाप रे सब कुछ कैंसिल, क्या बचा 1, लिख लीजिए इजी 1, log 9 बाय log 4, log 2 बाय log 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 log 3, 2 log 2, सब कुछ कैंसिल, आंसर 1 बचा, आएगा स्क्रीन पे, चिंता मत करो। अब आज ऐसे पढ़ना है, ये दिमाग में बिठा दो, बार बार डाउट्स मत लाओ, जैसा चल रहा है चलने दो अभी, बाकी शाम में वर्कआउट करते हैं। डन सेकंड वाला, डन सबका, इजी 1। थर्ड क्वेश्चन, सिर्फ वनडे के बेस पे बहुत कुछ जम जाएगा आपका। log x log y, अभी log of ab by c याद है,
पहले दो फॉर्मूलेस को अगर एक साथ कंबाइन कर दो, कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला था और लॉग ऑफ ए बाय बी था आपके पास, लॉग ए माइनस लॉग बी। अगर ये दोनों फॉर्मूलेस को कंबाइन किया जाए तो एक नया फॉर्मूला आता है लॉग ऑफ ए बी बाय सी डी, जो कि क्या क्या जाता है, सारे ऊपर वाले एक एक करके ऐड होने जाएंगे और नीचे वाले माइनस होते जाएंगे, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी। जो जो इनटू में थे वो सब ऐड हुए, जो जो डिनोमिनेटर में थे वो सब माइनस होते गए। तो यहां भी थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा लॉग का लॉग ऑफ 10 प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई स्क्वायर। आई होप दिस इज ओके। अब इसमें लॉग 10 का वैल्यू हमें 1 पता होता है, क्योंकि लॉग के चैप्टर में बेस 10 जब कुछ भी ना दिया हो। लॉग एक्स का वैल्यू ए प्लस बी हमें ऑलरेडी गिवन है, माइनस 2 लॉग वाई, 2 को नीचे लेके आ गया, 1 प्लस ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ लॉग वाई का वैल्यू ए माइनस बी यहाँ पे पुट कर दिया, ये हो गया 1 प्लस ए प्लस बी माइनस 2a प्लस 2b, 1 माइनस ए प्लस 3b। देख लीजिए कुछ भी नहीं आया ना स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, रुकता हुआ फिर से समझाता हूं। आगे अभी देखो, क्या किया, लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, लॉग वाई स्क्वायर को माइनस टू लॉग वाई, अब बस वाई लॉग वाई की वैल्यू पुट किया, लॉग एक्स की पहले ही कर दिया था, 1 माइनस ए प्लस 3b। बढ़िया, हाँ अक्षय कुछ कहना है बेटा आपको? चलो फोर्थ वाला देखेंगे, फोर्थ वाला बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स वाई और जेड दिया है आपको, इसकी वैल्यू पूछा है 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड की, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। सर वन डे रिवीजन के बाद भी पूरे क्वेश्चन डबल से रिपीट करने पड़ेंगे। रिपीट करने पड़ेंगे मतलब क्या बेटा? सर फिर डबल से वो रिपीट करने पड़ेंगे वाले क्वेश्चंस, मतलब लैगिंग हो रही ना तो कुछ मिस हो रहे थोड़े से। हाँ कोई बात तो नहीं, एक बार कर देना ना बेटा, एक्चुअली कुछ कुछ लोगों का लैगिंग हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है लैगिंग। मैं परफेक्टली चल रहा हूँ बेटा, मतलब मेजोरिटी को दिख रहा है और जब नहीं दिख रहा है तो मैं वहां लिख रहा हूँ, है ना। तो जिनको नहीं, जिनको दिक्कत जा रही है कुछ 4-5-10 लोगों को, तो आप लोग एक बार वापस से YouTube पे देख लीजिएगा और मुझे WhatsApp पे पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, इसलिए बोला वो मेरा 2D रिवीजन होगा। चलेगा ना, 2D का 4D भी होंगे सब चलता है, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल। चलो एक्स वाई जेड आपको दिया है, सबसे पहले एक्स को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस लॉग क्यू आर बेस पी क्या होता है, लॉग क्यू आर अपॉन लॉग पी, कौन सा log a base b का फॉर्मूला, log a by log b, ठीक है? इसे और सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके log p प्लस log q r अपॉन log p, x हो जाएगा log a प्लस log b क्या होता है, log of a b, a into b होता ना, p into q r यानी p q r अपॉन log p, यहाँ पे x के नीचे 1 है तो बेसिकली यहाँ से आपका 1 by x आ गया, इन्वर्ट एंड उल्टा कर दिया, log p अपॉन log ऑफ पी क्यू आर, यह आ गया आपका x। सिमिलरली मुझे बताओ अगर ये 1 बाय x आ गया तो 1 बाय y क्या हो जाएगा, नीचे में तीनों है तो y में भी तीनों आएंगे। अब ऑब्जर्व करो कि x में ऊपर में log p q आया क्योंकि बेस में p था, मतलब तो p आया देखा कि वो तो बेस में था, तो y में भी बेस में कौन है, q, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ q बाय log p q r, और z हो जाएगा 1 बाय z log of r by log of p q r। राइट साइड में जो चीज फाइंड करनी है उसे हम लोग लिखेंगे और फाइंड करने की और आगे बढ़ेंगे। 1 बाय x है आपका log p by log p q r, 1 बाय y है आपका log q by log p q r, 1 बाय जेड है आपका log r by log p q r, डिनोमिनेटर log p q r,
न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो log p, log q, log r. अब log a प्लस log b प्लस log c भला क्या होता है? वो होता है log of a b c, log p q r ऊपर में और नीचे में भी log of p q r, दोनों हो गया आपका कैंसिल. आंसर बेसिकली बचा आपका 1. देखिए इजी वन. अबे दो चैप्टर इजी है, आगे भी इजी छे वैसे. सर हाँ बेटा बोलो. सर 1 को log p टू द बेस p पुट करके भी हो सकता ना, मतलब ऐसे हर इसमें log. हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता बेटा, यस है ना. तो उसमें भी आपका डायरेक्ट log p प्लस log q r, log p q r by log p, बस वो क्लिक होना चाहिए. अपन इससे एकदम लेमन मेथड कर रहे कि एग्जाम में दिमाग काम नहीं किया तो, पर आपने जो किया उसमें एक स्टेप जल्दी आएगा आपका आंसर, है ना. गुड, चलो ये था आपका फोर्थ वन. आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की ओर. x square plus y square 7xy दिया है आपको, log of 1/3 x plus y पूछा है. अब ये x plus y यहां से कैसे आएगा? तो बेसिकली x square y square से x plus y कैसे ला सकते हैं, कोई बता पाएगा? एक ही चीज करके a plus b का whole square का फॉर्मूला जुगाड़ करना पड़ेगा. कैसे होगा? plus 2xy both sides. वेरी गुड, plus 2xy both sides. क्योंकि आप सोचिए x plus y चाहिए यहाँ पे squares है, दोनों लिंक केवल और केवल स्क्वायर के फॉर्मूले से ही होते हैं. x plus y और x square y square में लिंक स्क्वायर के फॉर्मूले से ही होगा. तो लेफ्ट साइड में आ गया बेसिकली आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट साइड में 9xy. ये ओके क्या बेटा? हेलो, अभी टेकिंग log both sides. या उससे पहले क्या मैं 9 को नीचे ला सकता हूँ, क्योंकि उसमें भी 3 यहाँ पे दिख ही रहा है ना. तो ये हो जाएगा x plus y by 3 का whole square, क्योंकि 9 is nothing but 3 का square. Taking log both sides, log of x plus y by 3 का whole square equal to log of xy. ऊपर का 2 आएगा नीचे, तो हो जाएगा 2 log x plus y by 3 equal to log xy. क्या होता है? ऑप्शंस log xy में दिया कि log x plus log y दिया, एक बार देखना पड़ेगा. log x plus log y दिया, तो इसे मैं ओपन अप कर देता हूँ. log x plus log y, log of 1/3 x plus y equal to 2 साइड जाके हाफ बन जाएगा. 2 को नीचे भेजा, हाफ बन गया, हाफ ऑफ log x plus log y. ठीक है, लिख लीजिए जो भी ऑप्शन होगा, हाफ log x प्लस log y. इजी वन. हाँ गौरव, आपका चला गया था क्या स्क्रीन? नहीं सर. इजी है, ओके. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ. क्या बोला है सिक्स्थ में? कितना इजी है सिक्स्थ क्वेश्चन. लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ऑफ ए बाय बी. लॉग ए माइनस लॉग बी सेकंड फॉर्मूला उल्टा अप्लाई किया, लॉग ए बाय बी टू लॉग ऑफ, ऊपर में एक्स कॉमन बचेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन. देखो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे बचा log x equal to 2 और इसका बेस 10 होगा. एरो मेथड याद है आपको? एरो के हिसाब से x का वैल्यू 10 का पावर 2 यानी x आ गया आपका 100. Is this fine everybody? Easy एकदम. बोलो बेटा जमा क्या? सर बेस 4 दिया हुआ है. बेस 4 दिया है क्या? अच्छा मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ था, देखा नहीं मैंने. कौन सा क्वेश्चन है? 6 था ना, बेस 4. बढ़िया बेटा, थैंक यू, आपने याद दिला दिया.
बेस फोर इज गिवन टू यू, अगर बेस फोर है तो यहाँ पे ना बेस फोर पकड़ेंगे तो x हो गया आपका 4 का पावर 2 सिमिलर, ठीक है, x इज 4 का स्क्वायर 16, देखो फटाफट 16 इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट वन, सेवंथ, हाँ सेवंथ में log 2 root x whole square equal to log 2 base x, x find करना है, काफी easy question। क्या मैं अंदर वाले को log 2 by log root x बोल सकता हूँ? सेवंथ, सेवंथ पे आ गया हूं मैं, log a base भी है ब्रैकेट के अंदर, तो log a base b को log a by log b लिखना चाह रहा हूं मैं, और उसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर है तो क्या करना पड़ेगा, उसी को अपने आप से एक बार इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू मैं करता हूँ log of 2 by log root x, आया नहीं है स्क्रीन पे बट ठीक है आ जाएगा। अभी स्क्रीन बहुत देर बाद अटका, सर फिजिकल क्लासेस कब स्टार्ट होंगे? बेटा आज ना अपन वन डे करते पहले, वो जब भी होगा बाकी बातें देखते हैं बाद में, आने दो इसको, एक मिनट रुकिए आएगा, दो तीन महीना कुछ स्टार्ट नहीं होता फेब कम से कम। रुकिए बेटा एक मिनट, हाँ अभी तो स्क्रीन ऑलरेडी जा चुका है, आएगा वापस। रोनित आया कि नहीं आज? रोनित रुकिए बेटा आएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंतजार हो रहे हैं, मेरा आईपैड एक्चुअली बाहर चला गया, आएगा वो वापस, आ रहा है रास्ते में। बस एक और मिनट का ट्राई हो जाए, हाँ
ऐसा है संकट दिक्कत। आईपैड आ रहा था अभी भी रास्ते में, वो आने दो से। आएगा बेटा आएगा, उम्मीद। आ गए आ गए, अंदर तो आ गया है।
फाइनली आ गया है, बस अब स्क्रीन शेयर हो जाना चाहिए। शेयर स्क्रीन। आया है क्या? 3 seconds लगेंगे। Yes, चलो finally फटाफट करते हैं। log 2 base x is log 2 by log x, बढ़िया। यहाँ पे log 2, एक एक log 2 तो cancel कर सकते हैं, ऊपर एक log 2 बचा, log root x, root x को देखेंगे। आ गया ना बेटा? आ गया, मुझे दिख रहा है, आ गया, आएगा आपके इस पे भी, आ गया, आ गया। है ना, एक एक करके आएगा, बस आ गया सर। रूट एक्स को एक्स का पावर हाफ, और एक लॉग रूट एक्स है, एक्स का पावर हाफ रूट एक्स को, वन बाय लॉग एक्स, लॉग टू इक्वल टू, ये हाफ नीचे आएगा, हाफ लॉग एक्स। अभी लॉग एक्स कैंसल, ये नीचे के नीचे वाला जो टू है ना ऊपर आएगा, तो एक टू ऊपर, दूसरा टू ऊपर, और यहाँ पे log 2 अपॉन log x। देखो log 2 log x को जगह पे रखा, दोनों नीचे के नीचे वाले ऊपर आ गए, दोनों नीचे के नीचे वाले ऊपर आ गए, तो यहां से 4 log 2 इक्वल टू log x, आपको x का वैल्यू पूछा है, तो इस 4 को ना 2 के ऊपर भेज दो, 4 को 2 के ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो log ऑफ 2 का पावर 4, अब दोनों का log log हट गया, तो 2 का पावर 4 हो गया x, या तो 2 का पावर 4 दिया होगा ऑप्शन में, या तो 16 दिया होगा, चेक करो क्या दिया है। डन क्या सबका? डन। सही, ये तो आपका 7th, देखो फटाफट देखो, जिसके इस पे लेट आया होगा फटाफट देखते चलो, फिर लॉक के बाद अपन लोग ब्रेक लेंगे, ब्रेक में मैं कुछ करता हूं। चलो नेक्स्ट वन, 8th वाला, क्या है 8th वाला दिया हुआ, नंबर ऑफ डिजिट्स 2:64 में, क्या आपको ये फंडा याद है कि जब मैं लॉग ऑफ 200 निकालता हूं तो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग क्यों आता है, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट वाले का आंसर 2 पॉइंट समथिंग आता है, तो मुझे बताओ जिस किसी का भी आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा उसमें कितने डिजिट्स रहे होंगे, इसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग डिजिट कितने हो गए इसमें, 6 डिजिट्स, अभी तो उसका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आया, तो मुझे बताओ log of 2:64 इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये हो जाएगा बेसिकली 64 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.30103, इतना दिया है ना क्वेश्चन में, दिया होगा ना वैल्यू, देखो 30103, अभी ये कितना हो गया एक्चुअली 19.264। अब मुझे बताओ क्योंकि इसका आंसर 19.26 हुआ तो इसमें डिजिट्स कितने हुए, 20 digits. इसमें 20 digits थे, तभी तो उसका log का answer 19 point something आया, मगर direct नहीं था, log 2:64 पे दे find किया, 64 नीचे आया, 64 log 2 put किया, दोनों को into किया, 19.26, मतलब उसमें digits होंगे 20, तभी उसका answer 19.26, ठीक है, ये था आपका 8th question, लिख लो फटाफट, उसका answer 19.26, मतलब उसमें digits 20, काफी easy। 9th वाला, log 1+2+3, एक्चुअली ये कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मगर गलती से इसका आंसर आता है, याद एक मीम भी डाला था मैंने व्हाट्सएप पे, किसी ने बना के भेजा था, तो यहाँ पे पहली बात 1+2+3 कितना होता है, वो 6 होता है, और 6 को 1 × 2 × 3 भी बोल सकते हैं, है ना, एंड विच अल्टीमेटली बिकम्स log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, ये सिर्फ इसी में होता है, वो भी गलती से, तो इसका आंसर पहला भी ए भी हुआ, बी भी हुआ, इसका आंसर है सी, बोथ द अबव, गलती से, है ना, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 और 1 इंटू 2 इंटू 3 दोनों 6 होता है, इसे नन ऑफ दिस मत लिखना, ऑल्दो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, और ऐसा केवल और केवल
वन प्लस टू प्लस थ्री में होगा और किसी में नहीं। तो देख लीजिए मैंने वहां पे देखा इक्वल टू लॉग सिक्स, फिर सिक्स को देखा वन इंटू टू इंटू थ्री और फिर उसे देखा लॉग वन प्लस लॉग टू प्लस लॉग थ्री। नहीं जी ए बी है बी बी है तो आंसर हो गया बोथ दी अबाउट। ये तो आपका नाइन्थ वाला। हेलो हेलो सर एक बार एट बोलो बेटा। एक बार क्या बोले बेटा? एट वाला क्या? हाँ सर। हाँ एट में क्या है, आपने इसका लॉग निकाला 64 नीचे आ गया, लॉग टू को 0.3010 पुट किया इंटू किया 19.26। अब किसी का आंसर 19.26 तब आएगा जब उसमें 20 डिजिट होंगे, एक कम होता है ना। जैसे ऊपर का आंसर 2. क्यों आया? क्योंकि उसमें 3 डिजिट थे। यहाँ का आंसर 19. क्यों आया? क्योंकि उसमें 20 डिजिट आए होंगे। ठीक है नयन? हाँ सर। टेंथ वाला क्या है? लॉग एक्स प्लस लॉग वाई लॉग एक्स प्लस वाई। बेटा क्वेश्चन सही कॉपी किया क्या मैंने, चेक कर लूं? आपको y का वैल्यू ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसे मैं लिख सकता हूँ log x प्लस log y को log x y, लिख सकते हैं। अब दोनों जगह log हो जाएंगे तो log हट जाएगा, x y बचेगा x प्लस y, और फिर जो भी आपको फाइंड करना होगा उसे एक साइड रखना पड़ेगा। कैसे एक साइड? x y जगह पे उधर का जो y है इधर आके माइनस, और x भी जगह पे log log के हटने के बाद y कॉमन x माइनस वन इज x, y हो गया आपका x अपॉन x माइनस वन, y हो गया आपका x अपॉन x माइनस वन। देखिए जमा है क्या, देखिए बेटा फास्ट फास्ट। नेक्स्ट वन, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम। सर हाँ बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर। वो थोड़ा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग कर रहा है, वाई कैन बी एक्सप्रेस एज। हाँ ऑप्शन में सब एक्स दिया है तो वाई का आंसर निकालना है आपको जो भी आता है। वाई कैन बी एक्सप्रेस एज मतलब वाई को क्या लिख सकते हैं आप ऐसा, तो वाई को क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, है ना। हम लोग अगर याद होगा आपको तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला देखे 2 का पावर 1, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगा आपका 2, बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट आपका बन जाएगा 2। इतना जमा किया फर्स्ट स्टेप, 2 का पावर 1 इज दैट स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट को देखेंगे हम लोग 2। फर्स्ट स्टेप के बाद आ जाएगा आएगा स्क्रीन पे आएगा, फर्स्ट सेशन में थोड़ा दिक्कत है। हाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट बन गया आपका बेसिकली 2 का पावर 1 यानी कि 2। ठीक है अभी और एक एरो यहाँ पे लगाओगे तो ये अंदर वाला क्या बन जाएगा, लॉग एक्स बेस 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 मतलब 9। और एक एरो लगाया तो अंदर वाला लॉग एक्स बेस 2 हो गया, 3 का पावर 2 यानी कि 9 हो गया बेसिकली वो 9। अब और एक एरो लगाओगे यहाँ पे तो एक्स हो जाएगा आपका 2 का पावर 9, एक और एरो से एक्स हो जाएगा 2 का पावर 9 जो कि होता है 512। जमा के बेटा पहले 2 का पावर 1 2, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का पावर 9, एक्स की वैल्यू 512। आई होप दिस इज फाइन। ये तो आपका 11th। ठीक है 12th की और बढ़ते हैं। log 24, अब बेसिकली गिवन है आपको log 2 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू, आपको फाइंड log 24 करना है, तो 24 को 2 और 3 के फॉर्म में लिखना। जैसे 24 इज 18 टू 3, तो ये लिखा मैंने 8 मगर 2 के फॉर्म में लिखा। देखो क्या किया, 24 को 8 इंटू 3 लिखा मगर 8 को भी 2 क्यूब लिख दिया, 8 इंटू 3 मन में बोला और 8 को लिखते लिखते 2 क्यूब कर दिया, तो ये हो गया log ऑफ 2 क्यूब इंटू 3। अब log ए भी होता है log ए प्लस लॉग बी, ऊपर का 3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 3 log 2 + log 3। अब मुझे बताओ log 2 का वैल्यू क्या दिया है आपको, log 2 का वैल्यू
0.3010 log 3 दिया है 0.4771 हो गया 0.9030 प्लस 0.4771 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है देखो 1.3 कितना बेटा 1.3801 चेक करो 1.3801 is the right answer बेटिया yeah. देखो फटाफट ये आपका 12th ठीक है देखो फास्ट देखो नेक्स्ट वन 13th देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी अभी किया था बेटा सेम कहाँ किया था क्वेश्चन नंबर 3 और 13 एकदम सेम है ऊपर का आंसर था ए नीचे वाले का क्या हो जाएगा ए मत बोलना सोच के बोलना थर्ड और ये एकदम सेम है एक्स वाई की जगह एम एन आ गया क्या हो जाएगा बताओ ए बी की जगह एम एन आ गया ना एक्स वाई नहीं ए बी की जगह बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 minus m plus 3 ए ही होगा Yes, हमेशा ए नहीं वो किधर भी लिखा हो सकता है आंसर 1 minus m plus 3 है ना वो ए में है इसलिए ठीक है यहाँ पर 13th सेम क्वेश्चन 14th पे आते हैं 14th आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर 7ab दिया और ए प्लस बी पूछा ये भी हमारी चर्चा इस पे हो चुकी है कि आखिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी कैसे निकाला जाए आखिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी कैसे निकाला जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा प्लस 2ab बोथ साइड्स अभी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9ab टेकिंग log बोथ साइड्स log ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ 9ab अभी 2 नीचे आएगा तो 2 log a प्लस बी हो जाएगा अब ये क्या होता है log 9 प्लस log a प्लस log b logarithms का फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया log of a plus b equal to अब आंसर किस फॉर्म में दिया है 3 के फॉर्म में तो मैं 3 लिखता हूँ क्या मैं 9 को 3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ yes log a जगह पे log b जगह पे क्या मैं इसे 2 log 3 बोल सकता हूँ yes log a जगह पे log b जगह पे log of a plus b लेफ्ट साइड का 2 राइट साइड में आके 1/2 बन जाएगा लेफ्ट का 2 राइट साइड आके 1/2 बन गया तो बेसिकली log ऑफ a प्लस बी आपका आ गया हाफ से इंटू करने के बाद log 3 प्लस हाफ log a प्लस हाफ log b लिख लीजिए फटाफट कहां पे मैच हुआ a ना फॉरिन का a मैच हुआ देख लो Yes, done everybody. Yes. 15th देखिए 15th. 15 में आपको log x plus y by 3 equal to ऐसा दिया है यहाँ पे log है ही नहीं log है ही नहीं तो log को हटाना पड़ेगा अब log को कैसे हटाया जाए तो basically proper log आना चाहिए both sides जैसे ये x plus y by 3 है ये log x plus log y होता है अपना log of xy log x plus log y is log of xy अब मेरा क्या कहना है कि ये हाफ को हटाना है तो क्या मैं हाफ को xy के ऊपर लेके जा सकता हूं हाँ वो हाफ नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो log xy का पावर हाफ हाफ नीचे भी और हाफ ऊपर भी तो log log हट गया तो यहाँ पे x plus y by 3 आ गया xy का पावर हाफ तो अब बारी है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की या लेफ्ट का हाफ इस साइड आके स्क्वायर बन जाएगा वो जो हाफ है वो इधर आके स्क्वायर बनेगा ऐसा कुछ आ जाएगा अब स्क्वायरिंग करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन 3 का भी स्क्वायर होगा जो कि 9 बन जाएगा इक्वल टू एक्स वाई अब 9 को ऊपर भेजूंगा मैं एक्स वाई के पास तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेसिकली वो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू नाइन एक्स वाई. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नौ माइनस दो हो जाएगा आपका सेवन एक्स वाई. एक्स वाई को इसके नीचे लाओगे वही क्वेश्चन की डिमांड है. सेवन बचा वहां एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई सेवन. एक एक चीज कैंसिल होगी. देखो एक एक्स गया एक वाई गया तो यहाँ बचा एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स सेवन. आंसर आ गया आपका सेवन. देखिए बेटा फटाफट बस चैप्टर का ब्रेक देंगे हम लोग लॉक के बाद. ओके इजी ना. एक्स बाय वाई वाई बाय एक्स आपका आ गया सेवन. सिक्सटीन देखिए इजी क्वेश्चन. वन अपॉन लॉग सिक्सटी अपॉन लॉग थ्री कौन सा फॉर्मूला. लॉग ए बेस बी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर लॉग ए बेस बी को लिखेंगे लॉग ए बाय लॉग बी लॉग सिक्सटी बाय लॉग थ्री. बाजू वाला क्या लिखेंगे लॉग सिक्सटी बाय लॉग फोर. उसके बाजू वाला लिखेंगे लॉग सिक्सटी बाय लॉग फाइव. और नीचे के नीचे वाला ना आपका ऊपर आता है तो ये हो जाएगा आपका लॉग थ्री बाय लॉग सिक्सटी. नीचे के नीचे वाला ऊपर लॉग फोर बाय लॉग सिक्सटी और लॉग फाइव बाय लॉग सिक्सटी. नीचे के नीचे वाला ऊपर आया तीनों में तीनों केसेस में. अब तीनों का डिनोमिनेटर आपका सेम हो चुका है लॉग सिक्सटी तो ऊपर वाले एज इट इज ऐड हो जाएंगे. एलसीएम का लोचा ही नहीं है. डिनोमिनेटर सेम ऊपर वाले डायरेक्टली ऐड. अब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी क्या होता है आपका. वो होता है लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी. तो वो तीन चार पांच आपस में इंटू हो जाएंगे. और थ्री फोर जा ट्वेल्व ट्वेल्व ऐसा होता है सिक्सटी. तो लॉग सिक्सटी बाय नीचे भी लॉग सिक्सटी. तो आंसर आ गया आपका बेसिकली वन. नोट कर लीजिए फटाफट. और कोई दिक्कत है तो बताइए. आंसर आ चुका है आपका वन. इजी एकदम. ओके तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ना पांच सेकंड रुकते हैं. किसी का लिखना बाकी है तो लिख लीजिए. सिक्सटीन सेवनटीन बहुत बढ़िया क्वेश्चन. याद है सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत होते हैं जहां पे दो चैप्टर मिक्स हो जाए. सीक्वेंस एंड सीरीज के हिसाब से मुझे बताओ ये वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब टी एन क्यूब क्या होता है. किसी को याद है वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब एन क्यूब तक क्या होता है. होल स्क्वायर है कि होल क्यूब है. अभी ऊपर का टू आ जाएगा नीचे. वेरी नाइस. ऊपर का टू आ जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा टू लॉग ऑफ एन एन प्लस वन बाय टू. ठीक है ये हो जाएगा टू. अभी लॉग ए बी बाय सी तो हो गया ना बेसिकली लॉग ए बी बाय सी है ना. लॉग ए बी बाय सी क्या होता है. वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी. नीचे वाला माइनस में गया. ठीक है नीचे वाला गया अपना माइनस में. लॉग एन प्लस लॉग एन प्लस वन माइनस लॉग टू. ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा टू लॉग एन प्लस टू लॉग एन प्लस वन माइनस टू लॉग टू. कहीं पे मैच हुआ क्या चेक करो. ऑप्शन ए में. बढ़िया लिख लीजिए. इजी था एकदम. देखो फटाफट देखो. सर थोड़ा फिर से रिपीट करते क्या. हाँ बेटा ये है ना सीक्वेंस सीरीज में एक फॉर्मूला है. बस वो फॉर्मूला लिखा एन एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर ऊपर का टू नीचे लाया और ये लॉग ए बी बाय सी को मैंने लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी फॉर्मूला यूज किया जो अभी अभी किया था. बस टू को इंटू कर दिया फिर. ठीक है ओके सर ठीक. चलो एटीन देखो. एटीन एटीन
18 भी उधर ही कर सकते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। ये 3 का पावर 0 क्या होता है? 3 का पावर 0 18 पे आते हैं, 18th। ऐसा मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूं 18 पे आ जाओ। 3 का पावर 0 1, है ना? तो बेसिकली यहां पे 1 आ जाएगा, ये इतना हट जाएगा, ये 3 का पावर 0 जाके बेसिकली 1 हो गया, ऐसा कुछ। अब यहां पे 1 आ गया राइट साइड में 0 की जगह पे, क्योंकि 3 का पावर वो जो भी था उसका पावर 0 1 किया। तो अब ये 4 का पावर 1 अगला, पहले ही अंदर वाला क्या हो गया 3 का पावर 0 1, फिर 4 का पावर 1 करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा, और अल्टीमेटली 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। देख लो जमा है, इजी था एकदम। 3 का पावर 0 1 हुआ, फिर 4 का पावर 1 4 हो गया, और 2 का पावर 4 16 हो गया। बढ़िया, चलो 19th देखते हैं। 19th ये अभी अभी किया था कि हमने सेम क्वेश्चन की, थोड़ा अलग था। अभी अभी किया था, कौन सा था? हल्का अलग है, 15th और 19th लगभग सिमिलर। करके दिखाता हूं फिर से आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। log ऑफ x माइनस y बाय 2 इक्वल टू log x प्लस log y को log x y लिखा, और ये जो हाफ था वो जाएगा ऊपर x y के ऊपर, और जैसे ही x y के ऊपर गया दोनों log log हट गए, ये बचा x माइनस y बाय 2 x y का पावर हाफ। अब हाफ इधर आके ना स्क्वायर बन जाएगा, तो x माइनस y बाय 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन 2 का स्क्वायर 4 इज xy, 4 जाएगा ऊपर xy के पास। क्या ब्रैकेट ओपन किया मेनली, नेक्स्ट स्टेप में आके हाफ को इधर ट्रांसफर किया, राइट साइड में xy बचा जो स्क्रीन पे, उसके राइट साइड में xy बचेगा सिर्फ, और फिर ब्रैकेट ओपन किया स्क्वायरिंग ऊपर और नीचे, तो ऐसा कुछ बचा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया 4xy, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 6xy। पूछा क्या है आपसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा, कितना आ गया? 6xy। देखो तो जमा क्या? ओके बेटा, यस एवरीबॉडी, इतना डन है सबका? ओके तो ठीक है, ये था हमारा सेकेंड चैप्टर जो हो गया। दोनों इजी थे एक्चुअली, वेटेज भी बहुत नहीं था, अभी मेन तो इसके बाद चालू होगा। फिलहाल हम लोग ब्रेक लेते हैं, कितनी देर का ब्रेक दो आप लोगों को? 20 मिनट्स काफी होंगे, 11:19 हुए हैं, 11:40 को मिलते हैं हम लोग, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप करता हूँ, दो दो अपलोड करना पड़ेगा।